कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। सौरभ गांगुली से मिली ममता बनर्जी, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फेसबुक को झटका, वाइस प्रेसिडेंट को विधानसभा की कमेटी के सामने होना होगा पेश। यूपी के कई जिलों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन हुआ, नामांकन के समय प्रत्याशियों के बीच हुआ बवाल। मोदी कैबिनेट के विस्तार में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, देश के सभी 736 जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाई गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा दिन था, ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किए गए और इस कड़ी में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों में जमकर विवाद देखने को मिला। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर नामांकन के दौरान लोग लड़ाई करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई और सीतापुर की हैं। वहीं ललितपुर में भी कुछ इसी तरह का विवाद देखने को मिला जहां पर सत्तारूढ़ दल और जो विपक्षी दल हैं उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर उन्नाव में पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, तो वहीं रायबरेली में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, वहीं हरदोई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। वहीं सीतापुर और ललितपुर में भी गोली तक चलने की नौबत पहुंच गई। यहां पर सीतापुर में गोली चलने की बात आई, गोली चली और वहां पर जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई। जो स्थितियां हैं वो प्रशासन के हाथ से बाहर जाती हुई नजर आई। तो ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आज जब ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया तो अलग अलग जगहों पर भिड़ंत देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर मारपीट देखने को मिली। वहीं सीतापुर में तो गोली तक चली। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई, सीतापुर और ललितपुर से। वहीं औरैया में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया। औरैया जनपद में 7 ब्लॉकों के कई पार्टी प्रत्याशियों समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा सभी ब्लॉकों में अपने अपने प्रत्याशी उतारे। नामांकन के दौरान सभी नामांकन केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात थी। वहीं एरवा कटरा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका यादव ने नामांकन कराया। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं। वहीं अपनी जीत को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी और उनके समर्थक आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जीत के लिए तो हम लोग 200% सुनिश्चित हैं। हम लोग पूर्णतया तैयारी से हैं और पूरी जीत होगी और 100 नहीं 200% हम लोग जीतेंगे चुनाव। जनता का प्लस सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, DGC मेंबर, उनका पूरा समर्थन मेरे पास है और हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि हम पूर्णतया जीतेंगे और 100 नहीं। वहीं अलीगढ़ में नामांकन के वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए इगलास ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड जाम करने की कोशिश की गई। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब नामांकन कार्यालय में महज 2 लोग जाने की अनुमति है तो फिर बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर कैसे पहुंच गए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती स्नेह लता यहाँ नॉमिनेशन के लिए आई थी। हमसे प्रशासन ने यह कहा कि एक प्रत्याशी, 2 उनके अनुभव समर्थक, बाकी 4 लोग अंदर जाएंगे। हमने वही भेजा, लेकिन यहाँ के पुलिस का, यहाँ के वर्तमान इंस्पेक्टर जो है, यहाँ की पूरी पुलिस हमारे सामने, जो यहाँ का लोकल विधायक है उनके साथ। वही आजमगढ़ के पवई ब्लॉक में भी भाजपाइयों ने जमकर तांडव मचाया। बता दें कि 2 बजे तक सपा प्रत्याशी को नामांकन नहीं दाखिल करने दिया गया। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक अरुणकांत यादव ने खुद लाठी से सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भाजपाइयों को किसी तरह हटाया और सपा प्रत्याशी को अंदर पहुंचाया। लेकिन प्रस्तावक
डरकर भाग जाने से 2 बजे तक सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो सका। तो आज सुबह से ही वर्तमान विधायक ब्लॉक के गेट पर अपने छोटे भाई वरुणकांत का पर्चा दाखिल कराकर इस आशय से बैठे रहे कि जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो पर्चा छीन लिया जाएगा, मारपीट करके उसे पर्चा नहीं दाखिल किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ जिले के 22 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। वहीं झमाझम बारिश के बीच ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पलनी ब्लॉक के सहायक निर्वाचन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि ब्लॉक में कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें संजय यादव, संतोष यादव, मीरा यादव, कौशल्या देवी और प्रमोद यादव शामिल हैं। आज 5 लोगों ने नामांकन किया है और उसमें नंबर 1 पे हैं श्री संजय सनाप, श्री हरिश्चंद ग्राम ककरहटा के हैं। नंबर 2 पे श्री संतोष यादव हैं, हरिचरण के लड़के हैं, ये ग्राम हेमापुर है इनका। नंबर 3 पे मीरा, श्रीमती मीरा यादव हैं, प्रमोद कुमार यादव अहोपट्टी की हैं। अहोपट्टी से ही कौशल्या देवी, शिव जन्म यादव। ठीक काम नहीं कर रही है समाजवादियों के साथ, चाहे वो यहाँ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में। बीजेपी सरकार जो है वो बहुत मनमाना काम कर रही है। क्या दबाने काम कर रही है समाजवादी? हर तरह से दबाने का काम कर रही है प्रशासन। नहीं, हमने अभी तक तो नामांकन निर्दलीय किया है और चूँकि इस ब्लॉक में दल से ज़्यादा उम्मीद लोगों को है विकास कार्य की और सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हम लोगों के साथ हैं और सबका सहयोग है। वहीं जौनपुर में मड़ियाओं विकासखंड से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भोजपुरी फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाने वाले अभिनेता पप्पू यादव की पत्नी रेखा यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दल प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद रेखा यादव ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर ही ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन किया है। वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी वो गांव आते हैं यहां की स्थिति देख दुख होता है। हमारी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं ब्लॉक प्रमुखी का, एक बार आप लोग सेवा करने का अवसर दीजिए और मैं आता हूँ भैया गाँव तो देखता हूँ यहाँ विकास नहीं कुछ हुआ है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। भैया मेरा ये होम टाउन है तो हर आदमी चाहता है कि अपना होम टाउन जो है प्रगति करे और हमारे यहाँ रास्ता निकले और रोड बने अच्छा, जो है चकाचक जो है लाइट यहाँ जो है व्यवस्था हो अच्छी। मैं भैया जब रास्ते से निकलता हूँ ना तो रास्ते में जब देखता हूँ कि बहन बेटियाँ जब शौचालय करने के लिए रास्ते में बैठी रहती है ना, मुझे राजनीति में हूँ मैं तो समाज का सेवा ही करूँगी। पति हमारे अभिनेता हैं तो अभिनेता भी हैं वो और सोशल काम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। मैं भी राजनीति में उतरी हूं तो मैं भी। प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉकों के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। भाजपा ने रानीगंज के विधायक धीरज ओझा के भतीजे सत्यम ओझा को ब्लॉक शिवगढ़ से टिकट दिया है। वहीं नामांकन करने पहुंचे सत्यम ओझा ने कहा कि 55 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मेरे साथ है, मैं अगर ब्लॉक प्रमुख बन जाता हूँ तो शिवगढ़ ब्लॉक में विकास करके दिखाऊंगा। वहीं रायबरेली के अमावा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सदर विधायक अदिति सिंह की मां वैशाली सिंह ने नामांकन किया। वैशाली सिंह के नामांकन के दौरान उनकी बेटी और सदर विधायक अदिति सिंह साथ में कई लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र को विकास गति देने के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रही हैं। हमने आज नामांकन भरा है ब्लॉक अमावा से। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आई हैं? मुद्दा बस एक ही है कि मुझे अपने जनता के साथ हर समय खड़े रहना है और अच्छे से अच्छा निरंतर विकास करना है। शाहजहांपुर जनपद के सभी ब्लॉकों पर भाजपा सपा के प्रत्याशियों को नामांकन को लेकर भीड़ उमड़ी। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं सपा पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। आपको दिख नहीं रहा है प्रदेश के अंदर, आप खुद देख रहे हैं आपके ही सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, समाचार पत्रों में, सभी जगह आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर बयान भी जारी किया, आप देख रहे हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बोल रहे हैं, दिन कभी एक से नहीं रहते, सिखा रहे हैं ये लोग कि कैसे। वहीं प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तारापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में अधिवक्ता साथी के दादा की हत्या कर दी गई, जिस बात से नाराज सभी अधिवक्ताओं ने जमकर पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मामले की जानकारी देने के बावजूद भी
सांगीपुर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। अधिवक्ता जयप्रकाश यादव जी सांगीपुर थाना क्षेत्र के द्वारा उनके दादा की हत्या कर दी। कल भी अधिवक्ताओं ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन देकर के अधिवक्ता जयप्रकाश यादव के परिवारजनों की सुरक्षा की मांग की। सांगीपुर कोतवाल तुषार दत्त त्यागी ने उस पर अनसुनी की। सांगीपुर कोतवाल तुषार दत्त त्यागी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। विपक्षों से मिले हुए थे, उसका दुखद परिणाम रहा उनके वृद्ध दादा की हत्या कर दी गई। परिवार भयभीत है, हम अधिवक्तागण दुखी हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी राममोहन सिंह जी हैं, महामंत्री प्रमेय जी हैं, पीपी यादव जी हैं, धीरेन्द्र सिंह जी, सब लोग ये मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से। वहीं सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में जमकर गोलियां चली। सत्ता पक्ष के विधायक के समर्थकों ने गोलियां चलाई जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। वहीं अगली खबर अब सोनभद्र से है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसने में लग गई हैं और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं सोनभद्र के धोरावल ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान घोरावल विधानसभा के पूर्व विधायक समेत भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं म्योरपुर और भवनी ब्लॉक पर अपना दल के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया। कोरोना लहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर सीएम योगी ने विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए। रेलवे बस वायुमार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैंपल लेकर सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। वहीं सहारा हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक गुलाम अब्बास जैदी का कहना है कि जो भी वायरस होते हैं वो हर समय अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं और ये जो आने वाली तीसरी लहर है इसका असर बच्चों पर ज्यादा होगा। मैं डॉक्टर अब्बास हूँ। मैं सहारा हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सहारा हॉस्पिटल जो है वो हमारे जो अभिभावक सहारा श्री जी हैं उनका एक विजन है और हम सारी जन सेवा उसी के तहत करते हैं और ये सारा कार्य जो है वो हमारे सीनियर एडवाइजर श्री अनिल विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में होता है। सर, थर्ड वेव आने वाली है और इस पर असर पड़ेगा, क्या लगता है सर आपको? देखिए, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अभी इसका कोई बहुत ज़्यादा हम उस पर ध्यान दे नहीं रहे। सबसे पहली चीज़ आपको सुना ये है और लगता है। वही लखनऊ में कैबिनेट विस्तार को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच एक होटल में मुलाकात हुई। बैठक में चुनाव की तैयारियों और भागीदारी संकल्प मोर्चा के सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इसको लेकर ओवैसी ने बोला कि कोविड शिक्षा स्वास्थ्य से निपटने में यूपी सरकार नाकाम रही है। ये साफ हो गया है कि एक भी बैकवर्ड नेता समाज को लेकर नाइंसाफी पर नहीं बोले। देखिए आप सवाल कर रहे हैं या तो आप किसी पार्टी के बोल दीजिए तो सुन लीजिए GAR ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो ये कम क्यों है, ग्रॉस एनरोलमेंट बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% है, ये चीजें है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नैया डूबने जा रही है। 7 राज्य मंत्री बना दिए गए हैं लेकिन एक भी कैबिनेट नहीं बनाई गई है, जबकि संतोष गंगवार को हटा दिया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां पर पार्टी कार्यालय में जो हमारे लखनऊ इकाई के साथी है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ देर तक बैठकर लोगों को मेंबर बनाएंगे, उसके बाद लखनऊ की इकाई यहां पर बैठकर इस विधानसभा की इकाई बैठ के मेंबरशिप बनाने का काम करेगी। लेकिन इस बीच पूरी शांति के साथ कानून की बिगड़ी हालात के खिलाफ ताजनगरी आगरा में एक महिला खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी चंचल यादव ने सोशल मीडिया पर अपना
वीडियो डाला, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिला खिलाड़ी ने गांव के ही दबंगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने की बात कही है। वहीं बता दें कि वायरल वीडियो में महिला खिलाड़ी ने अपने द्वारा जीत में मिले सभी मेडल्स को भी बेचने की गुहार लगाते हुए पुलिस को पैसे देने की बात कही है। आगरा में विगत दो दिन पहले एक महिला ताई कमांडो की जो खिलाड़ी थी, उसने एक वीडियो वायरल अपना फेसबुक पर किया था कि उसको उसी के गांव के कुछ लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उस पर तज कसते हैं और उसे अश्लील बातें इस तरह की करते हैं, जो कि वो अपने घर से निकलने को कहीं भी जाने के लिए जा नहीं पाती है, वो मजबूर हो जाती है। इसके बाद में एक वो अपनी वीडियो वायरल करती है जिसमें एक वह अपनी जान की सुरक्षा और अपने आप को बचाव की गुहार लगाती है। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं उस महिला खिलाड़ी के घर, जहां उससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसको ये इस तरह का कदम उठाना पड़ा और उसको ये वीडियो वायरल करना पड़ा। और हमारे साथ में है वो महिला खिलाड़ी, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल यादव है जी। जिस तरह आपने विगत दो दिन पहले एक वीडियो वायरल किया फेसबुक के जरिए, तो ऐसा क्या कुछ रहा जो वजह रही कि आपको एक वीडियो वायरल करके गुहार लगानी पड़ी सरकार से? मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं वीडियो बनाती। इन लोगों ने मेरे खेत को छीन लिया, मेरे घर को गिराने की कोशिश की और मुझे भी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और टॉर्चर करते हैं, मेरी मम्मी को भी परेशान करते हैं और मुझे छेड़छाड़ करते हैं, घर से नहीं निकलने देते हैं और मेरा खेत छीन लिया, जिसके कारण मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई। तो मेरे पास इसके अलावा कोई लास्ट ऑप्शन ही नहीं बचा था कि मैं कुछ और वीडियो कर पाती। मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो वो कुछ नहीं करती, वो मुझे भगा देती हैं। मैंने 15 जून को तहरीर देने गई थी अपने घर की, उन्होंने फिर मेरा कुछ नहीं किया और मेरी तहरीर भी नहीं ली और मुझे वापस कर दिया। बोलते हैं, पुलिस बोलती है कि ये तो माँ बेटियों का ड्रामा है, जाओ यहाँ से। उन्हें मुझे भगा दिया, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब मुझे वीडियो बनाना पड़ा। कितनी बार आप पुलिस के पास थाने में जाके चक्कर लगा चुके हैं? मैं 2.5 साल से पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिस तरह के आपने मेडल बेचने की बात भी कही थी उस वीडियो वायरल में, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्यों आई कि आपको मेडल बेचना पड़ा? क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं बचे कि मैं पुलिस को पैसे दे सकूं, तो मुझे मेडल बेचकर ही पुलिस का पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे तो सुनवाई करते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी काम बिना पैसों के नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं अपोजिट पार्टी के, जो मुझे परेशान करते हैं, वो एक रिटायर कर्नल है अश्विनी यादव, तो वो पहले उनसे मिलकर आते हैं, उनसे फिर पैसे ले आते हैं, फिर बाद में हमारे पास आते हैं, बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम उनसे, वो मोटी पार्टी है, वो उनसे लड़ रही हो तुम, उधर कर्नल है, ये है वो है, तो मतलब काफ़ी कुछ। तो क्या पुलिस के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है तुम्हारे लिए? हाँ, पुलिस मुझे पैसों की डिमांड बोलती है, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं, मेरा घर भी गिरा दिया है, अब तो गिरने पे आ गया है, मिट्टी निकाल दी है नीचे से, खेत भी ले लिया है, तो मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें दे सकूं। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन मेरे मेडल बेचने था, तो इसलिए मैं अपने मेडल बेचना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ ये जो ताई कमांडो की जो नेशनल प्लेयर खिलाड़ी थी, जो महिला, इन्होंने हमें पूरी अपनी जो आप बीती थी बताई, और उन्होंने बताया कि मेडल जो इन्होंने बेचने का जो वीडियो वायरल में जिक्र किया, उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि इन्होंने मेडल बेचने का क्यों जिक्र किया। इन्होंने साफ तौर से पुलिस पर सीधा निशाना किया है कि पुलिस के द्वारा हमसे पैसे मांगे जाते हैं, तो अगर पैसे हमारे पास इतने पैसे नहीं है, यही कारण है कि ये अपने मेडल बेचने की इन्होंने वीडियो वायरल किया। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली में ट्रक लूट की घटना में संलिप्त 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रक लूट की घटना का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने जीपीएस सिस्टम को चेक कर ट्रक लोकेशन के आधार पर ट्रक को बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 6 तारीख को एक ट्रक गाजियाबाद से रवाना हुआ, जिसमें सरिया लदा हुआ था, उसे रबूपुरा पहुँचना था। ये रास्ता मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का था, लेकिन जब देर तक ट्रक मौके पे नहीं पहुंचा, तो ट्रांसपोर्टर ने ट्रक मालिक से संपर्क किया, ट्रक मालिक ने अपने ड्राइवर को फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन नहीं मिल पाया, स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद उसने ट्रक की जब लोकेशन देखी, जीपीएस लगा हुआ था ट्रक में, तो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेशन प्राप्त हुई। तत्काल थाने आकर के सिकंदराबाद थाने पर ट्रक मालिक के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया कि लगता है कि उसका ट्रक जो है लूट लिया गया है,
और ड्राइवर और उसका मोबाइल फ़ोन गायब है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। सबसे पहले लोगों ने ट्रक को लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया, ट्रक बरामद किया जिसमें सरिया था। वही हमीरपुर के सुमेरपुर थाने में बारिश के चलते जर्जर दीवार गिर गई। दीवार गिरने से दो सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थाने की दीवार कई दिनों से जर्जर थी। वहीं दोनों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं आगरा में पूर्व में तैनात रहे सिपाही राजीव की पत्नी ने अपने पति और थाने के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाया। पत्नी ने दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। वहीं इसका विरोध करने पर सिपाही राजीव पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। वहीं लखनऊ के थाना अलीगंज रैदास फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।